रहते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। और बेसिकली ये जब हमारी ऑयली स्किन होती है तो इसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ऑयली स्किन पे मेकअप का टिकना बहुत ही एक मुश्किल मरहला है। जैसा कि मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ऑयली स्किन में आप अपनी ऑयल को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, सो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो अपने आप उस फेस पर किस तरह से मेकअप को काफी देर तक कंट्रोल कर सकते हैं और उसको अपने चेहरे पर ठहरा सकते हैं मेकअप को, क्योंकि ऑयली स्किन पर मेकअप टिकना बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि देर तक नहीं रहता है। और अमूमन ऐसा होता है कि हम किसी भी फंक्शन के लिए जब जा रहे होते हैं, हुआ वो दिन का हो या रात का, तो वहाँ पहुँचने से पहले ही हमारी स्किन से जो मेकअप है वो उतरना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है सिर्फ इस ऑयली स्किन की वजह से, क्योंकि ये ऑयली स्किन मेकअप को हमारे फेस पर टिकने नहीं देता। और अगर हमने कोई सस्ता सा गैर मियादी मेकअप यूज किया है सो उसके यूज से ये हमारी जो ऑयली स्किन है वो उसकी वजह से फिर हमारे स्किन पर जो स्याह धब्बे हैं वो नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। सो इस तकलीफ से बचाव के लिए आपको आज मैं कुछ टिप्स बताऊंगी जिसको इस्तेमाल करके आप इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम से आप मुकाबला कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपने लेना है कच्चा दूध एक खाने का चम्मच, बेसन लेना है एक चम्मच और अर्के गुलाब भी आपने लेना है एक चम्मच। तीनों चीजें आप इक्वल क्वांटिटी में ले सकते हैं, एक खाने का चम्मच तीनों को लेना है, कच्चा दूध, बेसन और अर्के गुलाब। अब आपने क्या करना है कि इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट बना लेनी है और इसको आपने मेकअप करने से 15 मिनट पहले अपने चेहरे पर लगाना है और इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए लगा रहने देना है। उसके बाद आपने ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लेना है। उसके धोने के बाद आप अपने चेहरे पर मेकअप करें अच्छी तरह से तो वो आपकी फेस पर काफी देर तक टिका रहेगा, कम से कम उस वक्त तक जब तक आपका फंक्शन, चाहे वो डे का है या नाइट का है, तब तक आपका फंक्शन चलेगा तब तक आपके फेस पर वो मेकअप टिका रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये थी मेकअप को कंट्रोल करने की और अपने फेस पर काफी देर रखने की, स्टे करने की एक बहुत ही आसान और सस्ती सी टिप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और उन सब लोगों को ये फायदा पहुँचाएगी जिनकी स्किन ऑयली है और जिनके फेस पर मेकअप ज्यादा देर नहीं टिक पाता फंक्शंस में। सो प्लीज मुझे अपनी इस टिप को यूज करने के बाद प्लीज फीडबैक दें कि आपको कैसी लगी और आपने इससे कितना फायदा उठाया। उसके साथ साथ जिन फ्रेंड्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया, और जो फ्रेंड्स आज फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे आपका ही फायदा होगा, बिकॉज जब मेरे चैनल पे कोई न्यू वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप न्यू वीडियोस देखकर उनसे फायदा उठा सकेंगे और अपनी ब्यूटी को और ज्यादा एनहेंस कर सकेंगे, उसको निखार सकेंगे। सो फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती